हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है मोहिनीस लाइफस्टाइल। और आज हम मेकअप करने जा रहे हैं, तो मैंने साड़ी वाड़ी पहले से पहन ली थी और अब अपने बाल मैं ऊपर अच्छे से फोल्ड कर लेती हूँ ताकि मेकअप करते हुए वो परेशान ना करें। और मेरे बाल जो हैं इस टाइम पर बहुत गीले हो रखे थे क्योंकि मैं फ़ेस एकदम वॉश करके आई थी, और फेस वॉश करने के बाद मैं लगा रही हूँ फेस पे टोनर, और ये गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर है और बहुत ही अच्छा है। मैं काफ़ी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ इसके बारे में, तो काफ़ी अच्छा टोनर है और आपको अपने फेस पे मेकअप करने से पहले अच्छे से स्किन केयर करना चाहिए। तो हमने टोनर लगा लिया है, तो अब मैं ये गुड वाइब्स का ही फेशियल ऑयल लगा रही हूँ। इसके बारे में भी मेरा एक सेपरेट वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और अगर फेस पे आप अच्छे से सिरम वगैरह या कोई अच्छा एसेंशियल ऑयल आप अप्लाई कर लेते हो तो आपका फेस जो है केकी नहीं लगता है, आपका जो मेकअप है वो अच्छे से ब्लेंड होता है। और अब मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र जो ये अरोमा मैजिक का है, और इसके बारे में भी आपको सेपरेट वीडियो आने वाला है, इसका नेक्स्ट वीडियो वही होगा और अलग से आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। काफ़ी अच्छी क्रीम है, तो अब इसको आप एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो, ये एज अ प्राइमर भी काफ़ी अच्छा काम करती है, बट मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा सा प्राइमर, ये जैकलिन का प्राइमर है और थोड़ा सा क्रीम बेस्ड प्राइमर है, तो मैं इसको थोड़ा सा जहाँ पे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है नोज़ एरिया में और चिन एरिया में, तो मैं वहाँ पर इसको अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ। और ये जो स्विस ब्यूटी का मैं फाउंडेशन लगाती हूँ, और यही फाउंडेशन मैं ज़्यादातर लगाती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी ये यही फाउंडेशन है और कोई फाउंडेशन मैंने नहीं लिया है, तो ये मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे ले लिया है। और फ्रेंड्स, ये ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो नॉर्मल ही लोकल स्टोर से मैंने लिया था, और कोई बहुत ब्रांडेड ये नहीं है, तो नॉर्मल है बट काफ़ी अच्छा वर्क करता है, काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग करता है ये फेस पे। हो सकता है कि थोड़ा अच्छी ब्रांड का लेने पे और अच्छा ब्लेंडिंग अच्छी हो, बट इससे भी काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। तो ये मेरा नॉर्मल सा ब्लेंडर है, कोई बहुत महंगा नहीं है। आई थिंक ये 55 रुपीज़ में मुझे पूरा पैकेट मिला था जिसमें और भी काफ़ी सारे थे, तो मैंने नेक एरिया पे और एयर्स पे अपने पूरे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। और आप कानों को बिल्कुल ना भूलें, उसमें भी फाउंडेशन अच्छे से लगाएं, नहीं तो आपका फेस अलग और कान अलग लगेंगे। काफ़ी वीडियोज़ में मैं आपको ये बता चुकी हूँ, बेसिक सी चीज़ें हैं बट मैं बता देती हूँ। तो ये NY का मैं कंसीलर लगा रही हूँ, तो मैं आई एरिया पे काफ़ी अच्छे से कंसीलर लगा ले रही हूँ क्योंकि मुझे जो आई मेकअप है वो थोड़ा सा अच्छा करना है, डार्क करना है, तो मैं अच्छे से कंसील कर ले रही हूँ। तो जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि कंसीलर की ज़रूरत पड़ेगी आप वहाँ पे लगा सकते हैं, तो इसको काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है बट ये उतना हाई कवरेज नहीं है। नॉर्मली अगर आपको यूज़ के लिए चाहिए तो ये ठीक है, बट अगर आपको अच्छा हाई कवरेज का चाहिए तो आप मेबलिन वगैरह का ट्राई कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा है, या लिक्विड में कुछ कर सकते हैं ट्राई, तो काफ़ी अच्छा है। तो ये मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ फेस पे, और अब हम इसको कॉम्पैक्ट से सेट करेंगे। तो कॉम्पैक्ट जो मेरा है ये फेसेस कैनेडा का है, और इसको मैं कॉम्पैक्ट को अच्छे से सेट कर लेती हूँ क्योंकि कोई भी मेकअप करने से पहले आप जो भी बेस आपने लगाया है उसको पाउडर से ज़रूर सेट करें, नहीं तो वो मेल्ट होने का डर रहता है और ख़राब हो सकता है आपका मेकअप। तो अब हम आईब्रो फिल करेंगे, तो आईब्रो देखिए मैं आपको इस वाली आईब्रो पे एकदम करेक्ट करके बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको और वीडियोस पे भी बताया है कि आगे से आपको एकदम लाइट करना है, अगर आप डार्क करोगे ना तो देखो कुछ इस तरह की आईब्रो बन जाएगी जो आपको नहीं चाहिए, और ये बिल्कुल नेचुरल लुक नहीं देती है। ये देखिए ये वाली कितनी डार्क है और ये वाली एकदम नेचुरल आई है, तो अब हम इसको ठीक कर लेते हैं। देखिए मैंने दोनों एकदम नेचुरल बना ली हैं कि बहुत ज़्यादा फेक हमको नहीं रखना है। तो ये मैंने एक जो मेरा ब्रश है, मेरा मस्कारा जो था वो सूख गया था, तो उसका ब्रश मैंने ले लिया है। और ये वेट एंड वाइल्ड का पैलेट है जो कि बहुत ही अच्छा है, मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ बट अभी थोड़ा टाइम नहीं मिला मुझे। तो ये मैं ब्लेंडिंग ब्रश में लेके थोड़ा क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आई शेडो आपका तभी अच्छा लगेगा, तभी बहुत अच्छे से उभर के आएगा जब आपकी ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी होगी। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्ट लीजिए, एक साथ बिल्कुल मत लीजिए। तो मैं थोड़ा सा उसमें मरून सा शेड था तो उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपनी क्रीज लाइन पर ताकि काफ़ी अच्छा सा स्मोकी सा लुक आए।
तो और एक साफ ब्रश से मैं इसको ब्लेंड कर देती हूँ। तो कोई भी आपको ट्रांजिशन शेड लगाना ही पड़ता है, अगर आपको कुछ भी लगाना है आप डायरेक्ट वो शेड ना लगाइए जो आपको, आपको एक लाइट शेड ज़रूर लेना चाहिए और अपने मेकअप से मैच होता हुआ लीजिए, साड़ी से मैच होता हुआ लीजिए जो भी मेकअप आप कर रहे हैं। तो मैंने जैसे कि यहाँ पर मरून सा लिया था और अब ये कट क्रीज मैंने बना ली है, बट ये कंसीलर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, उतना हाई कवरेज नहीं है तो उतने अच्छे से बन नहीं पाई। बट अगर आपके पास लिक्विड कंसीलर है तो उससे कट क्रीज आपकी काफ़ी अच्छी बनेगी। और आप बिल्कुल मत घबराइए कि कट क्रीज बनाना बहुत टफ है, बिल्कुल नहीं है। मैं भी कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं देख देख के ही मैंने सीखा है, यूट्यूब से और जगह से मैंने देख देख के ही सीखा है, मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट फिर भी मैं कर लेती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो ये कट क्रीज बनाना बहुत ही आसान है, आप एक फ्लैट ब्रश पे ले लीजिए और अब मैंने ये कट क्रीज बनाने के बाद इस पर कॉम्पैक्ट लगा लिया ताकि ये सेट हो जाए, कोई क्रीज लाइन ना बने। तो ये मैं वही पैलेट ले रही हूँ अपना वेट एंड वाइल्ड का और अब मैं इसमें ग्रीन शेड ले रही हूँ। देखिए ब्रश पे आया नहीं था ठीक से, अब मैं इसको थोड़ा प्रेस करके लगा रही हूँ तो काफ़ी पिगमेंटेड है, काफ़ी अच्छा है और ये देखिए कितने अच्छे से इसका कलर उभर के आएगा। तो मैं दोनों आँखों में अच्छे से लगा ले रही हूँ। तो आईज़ आपको अच्छे से कवर करनी है, आईज़ आप देख लीजिएगा जहाँ तक आपकी आईज़ खुलती है, फोल्ड होती है वहाँ तक आपको पूरा इसको अच्छे से फिल कर लेना है। और ऐसा नहीं है कि आप एक बार में एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप करते रहिए एक बार दो बार तीन बार, बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। अगर आई मेकअप आप दो तीन बार लगातार कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से आई मेकअप आ जाएगा। और ये देखिए मैं दूसरी आईज पे भी कर रही हूँ। और फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बता दूँ, मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैंने भी यूट्यूब से देख देख कर ही सीखा है, तो आप लोग भी सीख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बेसिक से आपको क्लासेस दूँ या बेसिक से मैं बताऊँ, सॉरी क्लासेस तो मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैं भी इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं बेसिक आपको बताऊं तो मैं आपको बता सकती हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा तो मैं बेसिक क्लासेस आपके लिए ज़रूर करूँगी। और ये देखिए मैंने दोनों आईज पे लगा लिया और देखिए कितना सुंदर कलर आया है। और अब मैं यही कलर अपनी आँखों के नीचे भी लगा लेती हूँ ताकि इससे आपकी आँखें थोड़ा उभरी हुई और थोड़ा बड़ी बड़ी दिखती हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड लगा लिया है और अब ये मैं NY का लाइनर ले रही हूँ। और सच में फ्रेंड्स ये लाइनर जो है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अफोर्डेबल है। ये साइज 65 रुपीज़ का आपको मिलता है और ये एकदम ही जेट ब्लैक है। अभी आपको ये थोड़ा सा ग्लॉसी टाइप का लग रहा होगा बट ये सूखने के बाद एकदम जो जेल लाइनर जैसे होता है सेम वही आपको देता है, एकदम लुक जेल लाइनर वाला ही लगता है और एकदम मैट हो जाता है। तो ये मैं छोटे अपने शीशे में देख के लगा रही हूँ क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन पे मैं देखती हूँ बट उतना मुझे अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो सारा मेकअप जो मैं कर रही थी वो फ़ोन की स्क्रीन पे देख के ही कर रही थी। तो देख लीजिए ये मेकअप मैं लाइनर जो है लगा रही हूँ, आप अपने हिसाब से लाइनर लगाइए जैसा आपको अच्छा लगता है। विंग अच्छा लगता है विंग लगाइए, विंग अच्छा नहीं लगता है तो ना लगाइए विंग। तो ये देखिए मैंने लाइनर लगा लिया अच्छे से और लाइनर लगाना भी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आप लाइनर लगा पाओगे। सो विंग का ध्यान रखिए कि दोनों विंग प्रॉपर हो। और आगे तक हम इसको लेके चलते हैं लाइनर को ताकि आपकी आँखें और बड़ी बड़ी लगें। देखिए आपको इतने में ही अंतर लग गया होगा, मेरी आँखें कितनी बड़ी बड़ी लगने लगी हैं। और अभी ये थोड़ा सा सूखेगा, देखिए एकदम मैट लुक में आ गया है और अभी उतना सूखा भी नहीं है। और ये मैं काजल तो छिला ही नहीं था, फिर मैं इसको अच्छे से छील के लेके आई हूँ और आधी आँखों में अपना काजल लगा रही हूँ। तो ये प्लम का काजल है और बहुत ही अच्छा काजल है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा महंगा है बट इतना भी नहीं है, 450 समथिंग आता है तो, पर बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है। और ये मैं मस्कारा लगा रही हूँ, मस्कारा भी मैं मेबलिन का लगा रही हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है और मैं यही यूज़ करती हूँ। फेक लैशेस मुझे उतना पसंद नहीं है और मैं मस्कारा यूज़ करती हूँ तो इसके भी मैं दो तीन कोड ही लगाती हूँ, इससे ज़्यादा कोड मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि वो बहुत अजीब सी लैशेस लगने लगती हैं। तो मैं दो तीन कोड ही लगाती हूँ, उतने में ही आँखें अच्छी लगने लगती हैं, फेक लैशेस मुझे उतनी पसंद नहीं है। और अब लगाते हैं ब्लश और मैं कोई कॉन्टोरिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको मेकअप बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप इतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते तो मुझे नहीं देख रहे होते।
तो मैं कॉन्टोरिंग वगैरह नहीं इसमें बता रही हूँ, बट अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका भी वीडियो बना दूँगी। और ये ब्लश मैंने लगाया है, और थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी हो जाए ना तो प्लीज़ घबराइएगा नहीं, आप उसको ब्यूटी ब्लेंडर से लेकर सेट कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लगा लिया था, तो ये देखिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से उसको सही कर दिया। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और लगा के ब्यूटी ब्लेंडर से उसको सेट कर दिया है। तो ये देखिए कितने पिंकी पिंकी गाल लग रहे हैं मेरे। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर, और ये हाइलाइटर जो है ग्लैम 21 का है। और नोज़ पे देखिए कितनी अच्छी शाइन आ गई है, एकदम इसको लगाते ही कितनी अच्छी शाइन आ गई है। और इसको अच्छे से मैंने पहले एक फिंगर से लगाया, फिर दूसरे फिंगर से उसको ब्लेंड कर रही हूँ। देखिए मैंने अच्छे अच्छे जो भी अपने फेस के हाइएस्ट पॉइंट्स हैं उस पर लगा दिया, जिसमें हम चाहते हैं कि थोड़ा ग्लोई लुक आए। और मेरे पास फ्रेंड ब्रश उतना अच्छा है नहीं, तो मैं जो ब्रश मेरे पास है मैं उन्हीं को यूज़ कर लेती हूँ। अगर फैन ब्रश होता तो उससे हाइलाइटर बहुत अच्छा लगता है, बट अभी मेरे पास नहीं है। मेरे पास जितना सामान है मैं उसी से मेकअप कर रही हूँ। तो ये देखिए अब लिपस्टिक के लिए हम लोग लगा रहे हैं कलर क्वीन की लिपस्टिक, और ये दोनों साइड वाली है, इसमें बुलेट लिपस्टिक भी है और लिक्विड लिपस्टिक भी है। मैं लगा रही हूँ लिक्विड लिपस्टिक। तो आपको अगर इतना हाथ सेट नहीं है तो आप पहले लिप लाइन करिए, उसके बाद लिपस्टिक अप्लाई करिए। और मैं लगा लेती हूँ, तो मैंने डायरेक्ट लगा ली है। और लिक्विड लिपस्टिक को आप जब तक गीली हो तभी तक हल्का मिक्स करिएगा, नहीं तो उसके बाद आप उसको मत छूइए, क्योंकि वो एकदम ख़राब हो जाएगी, पैची हो जाएगी। और अगर आपने लिपस्टिक किस तरह लगाई जाती है तो आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। और ये देखिए मेरा फाइनल लुक तैयार हो गया है। और बताइएगा ज़रूर कि मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और साथ में कमेंट भी करिएगा। मैं आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार करती हूँ, और कमेंट का रिप्लाई भी तुरंत करती हूँ। आप करके देखिए, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगी। और मेकअप कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय।